के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एसएसबी जवान के साथ हुई लूट की घटना का खजनी पुलिस ने किया पर्दाफाश। एसपी नार्थ ने कहा, नशीली दवा खिलाकर सिपाही के साथ हुई थी लूट। क्राइम ब्रांच व पुलिस के लगातार दबिश के बाद लूट की घटना में वांछित अपराधी सुनील यादव ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। सीओ क्राइम ने कहा, विभिन्न मुकदमों में सुनील की थी तलाश, इसके दो साथियों की अभी भी होगी जल्द गिरफ्तारी। शुक्रवार को जिले के 14 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिपिक संवर्ग की परीक्षा, लगभग 9000 परीक्षार्थी हुए शामिल। कूड़ा गिराने की समस्या को लेकर नौसर निवासियों ने नगर निगम में नगर आयुक्त से किया मुलाकात। सौंपा ज्ञापन, कहा बच्चों को आ रही है खांसी, पड़ रहे हैं बीमार। 2 जून को जनपद के 38 केंद्रों पर होगी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज प्रारंभिक की परीक्षा, तैयारियां पूरी। छोटी मस्जिद और बड़ी मस्जिद पर रमजान के आखिरी जुमे को नमाजियों ने अलविदा की नमाज अदा कर मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। तंबाकू सेवन करते मिल गए तो टोकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सीएमओ ने सभी को दिलाया शपथ। रमजान के पाक महीने के आखिरी जुमे पर नमाजियों ने अदा की अलविदा की नमाज, मांगी सभी के लिए अमन चैन की दुआ। और रोडवेज के क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत सहायक मैकेनिक के सेवानिवृत्त होने पर नम आंखों से दी गई विदाई, की गई स्वस्थ उज्ज्वल और भविष्य दीर्घायु जीवन की कामना।